ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, हम वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान नामक पूर्व पीठिका के सातवें अध्याय के अंतर्गत सात प्रकार की छंद रश्मियों की चर्चा कर रहे हैं। उनमें से प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार गायत्री की चर्चा हम कल और परसों कर चुके। आज अगली छंद रश्मि उष्णिक की चर्चा करते हैं। उष्णिक के विषय में ऋषियों का कथन है, उष्णिक उष्णिक गुत स्नाता भवति स्नेह तेरेवा स्यात् कांति कर्मणा, निरुक्त 7:12। उष्णिक गुत स्नानात् स्नेह तेरेवा कांति कर्मणो भी वोष्णिष्णो वैत्यौ पमिकम दैवत ब्राह्मण 3:4। आयुर्वा उष्णिक ऐतरे ब्राह्मण 1:5। यजमान छंदस मेवोष्णिक कौशितकी ब्राह्मण 17:2। ग्रीवा उष्ण शतपथ 8:6-2:11। तस्य प्राणस्य उष्णिक लोमानी ऐतरे आरण्यक 2:1:6। चक्षुरुष्णिक शतपथ ब्राह्मण 10:3:1:1। वज्रवाष्णिक जैमिनीय ब्राह्मण 1:209। इनसे क्या क्या संकेत मिला? पहला जो कहा, पहला और दूसरे प्रमाणों से निरुक्त और दैवत ब्राह्मण से ये रश्मियां गायत्री रश्मियों को ऊपर से गायत्री छंद रश्मि उनको ऊपर से उष्णिक छंद रश्मि आवृत करती हैं और अन्य छंद रश्मियों में पारस्परिक आकर्षण का भाव समृद्ध करती हैं और अधिक कांतियुक्त बनाती हैं। वैसे सभी छंद रश्मियां जो जो कार्य करती हैं आकर्षण का, कांति का, प्रकाश का, उष्मा का, उसके साथ उष्णिक रश्मियां मिलकर उसी प्रभाव को और अधिक बढ़ाने में सहायक होती हैं और उन रश्मियों को आवृत करके वो ऐसा करती हैं। फिर आयुर्वाष्णिक ये रश्मियां आयु के विषय में तान्य महाब्राह्मण में लिखा 6:4:4 में आयु यज्ञो व आयु, इसका अर्थ आयुर्वाष्णिक का अर्थ हुआ कि ये विभिन्न छंद रश्मियां छंद रश्मियों में संयोजकता के गुण को बढ़ाती थी। पहले भी हमने बताया कि आकर्षण आदि का जो भी गुण होते हैं उनको समृद्ध करती हैं, तो यहां भी ये कह रहे हैं कि यहां संयोजक गुण के लिए बता रहे हैं कि संयोजक गुण में वृद्धि करती हैं। यजमान छंद
इसका भी यही तात्पर्य है। जो भी संयोजक गुण हैं, संयोजक कण हैं, संयोज्य कण हैं, परस्पर संयुक्त होने की इच्छा करने वाले, परस्पर संयोज्य हो, संयोग करने योग्य या करने के इच्छुक या करते हुए उनके इस गुण को, उनकी इस क्रिया को वो समृद्ध करती हैं, बढ़ा देती हैं। फिर ग्रीवा उष्ण, ग्रीवा ये रश्मियाँ अन्य रश्मियों को अपने साथ उसी प्रकार जोड़ने में सहायक होती हैं जैसे ग्रीवा सिर और धड़ को जोड़ती है। ग्रीवा सिर और धड़ को जोड़ती है और इसके साथ ही ग्रीवा और क्या करती है, मुख से ग्रहण किए हुए आहार को, अन्न आदि आहार को ये निगलती है और निगल करके धड़ में पहुंचा देती है। तो वैसे ही उष्ण रश्मियां अन्य छंद रश्मियों से उत्सर्जित जितने भी छंद रश्मियां हैं वे उनको भी सिंगल एंटिटी नहीं कह सकते, नहीं होती हैं। उनमें से सूक्ष्म रश्मियां उत्सर्जित निरंतर होती रहती हैं, उत्सर्जित भी होती हैं, अवशोषित भी होती हैं। इसी के कारण एक छंद रश्मि का दूसरी छंद रश्मि के साथ परस्पर संयोग हुआ करता है, इंटरेक्शन हुआ करता है। यदि छंद रश्मियों में ऐसा कुछ न हो, सूक्ष्म रश्मियों का आदान प्रदान न हो, उत्सर्जन अवशोषण न हो, तो उन रश्मियों के मध्य कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता। जैसे दो पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हों अथवा प्रतिकर्षित कर रहे हों, उसके पीछे भी एक कारण होता है कि दोनों ही पार्टिकल्स के मध्य में दोनों ही कणों से कुछ रश्मियां उत्सर्जित होती हैं और कुछ और दूसरा उसको अवशोषित करता है। यदि यह न हो, एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में कोई इन्फॉर्मेशन न जाए, इन्फॉर्मेशन सूक्ष्म रश्मि या वेव रूप में ही होती है, तो वे नहीं हो तो उनमें इंटरेक्शन होगा ही नहीं और ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार दो छंद रश्मियों के मध्य भी जो इंटरेक्शन होता है, जैसा भी होता है, उसका कारण भी होता है कि सभी प्रकार की छंद रश्मियों में से सूक्ष्म रश्मियां निरंतर उत्सर्जित होती रहती हैं, श्रावित होती रहती हैं और दूसरी रश्मि उसको ग्रहण कर लेती है। ऐसे परस्पर विनिमय होता रहता है। तो उस विनिमय में उष्णिक छंद रश्मियां ऐसी रश्मियों को निगलने में, अवशोषित करने में सहायक होती हैं। इसी से इसको यज्ञ रूप लिखा, ग्रीवा लिखा, यज्ञ रूप भी लिखा, ग्रीवा भी लिखा। फिर लिखते हैं कि उस प्राण की उष्णिक लोम होती है, जो प्राण रश्मि बताई और उसके विषय में पहले कहा कि गायत्री छंद रश्मि विभिन्न प्राण छंद रश्मियों को त्वचा के समान ढके रहती है, आच्छादित की रहती है, सुरक्षित रखती है। अब यहां तुलना की लोम से कि उष्णिक छंद रश्मियां उन प्राण रश्मियों के रोम के समान है, जैसे त्वचा पर रोम होते हैं, बाल होते हैं, वैसे ही प्राण रश्मियों पर उष्णिक रश्मियां बाल रोम के समान है। रोम किस में होते हैं, रोम चमड़ी में होते हैं, स्किन में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर को त्वचा ढके रहती है और त्वचा को बाल ढके रहते हैं, वैसे ही विभिन्न छंद रश्मियों को गायत्री छंद रश्मियां कवर करके रखती हैं, ढक के रखती हैं, आच्छादित करके रखती हैं और उन गायत्री रश्मियों को फिर उष्णिक रश्मियां
बालों की तरह ढक लेती हैं। अब त्वचा जो सुरक्षा प्रदान करती है शरीर को, त्वचा नहीं हो तो शरीर में तुरंत ही सेप्टिक हो जाए, किसी फल की त्वचा नहीं हो तो तुरंत कीड़े पड़ जाए, तुरंत नहीं तो थोड़ी देर में, काट के फल रखेंगे तो खराब हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो नहीं खराब होगा। वैसे अपने चमड़ी में बहुत सारे व्यक्तियों का स्पर्श होता रहता वायुमंडल से, लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन चमड़ी में थोड़ा सा कट होगा, ये चमड़ी हट जाएगी, कट जाएगी तो यहाँ तुरंत वो बैक्टीरिया अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे अंदर सेप्टिक बना देंगे। तो चमड़ी हमारी सुरक्षा करती है। अब चमड़ी का बाल क्या करते हैं? यह कोई बालों के विषय का जो एक्सपर्ट हो वो इसको अच्छी तरह समझ सकता है कि शरीर में बालों की क्या भूमिका रहती है। कुछ लोग इसको तापक्रम नियंत्रण के लिए मानते हैं, लेकिन और भी कई कारण होंगे। और एक बालों के डॉक्टर, उनसे मैंने पूछा भी था तो उन्होंने कुछ बताया था, मुझे कुछ स्मरण नहीं, और उन्होंने ये कहा था कि मैं भेजूंगा, अभी तक वो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ इतना कह दूं कि उष्णिक रश्मियाँ की वही भूमिका है जो चमड़ी में शरीर में बालों की भूमिका होती है। अब चक्षु उष्णिक चक्षुरूप होती हैं, अर्थात इनमें ये प्रकाशशीलता को बढ़ाती हैं, और वज्रवाष्णिक ये रश्मियाँ वज्र रूप होती हैं, अर्थात सभी रश्मियों को तीक्ष्ण बनाने में सहयोग करती हैं। जैसे गायत्री रश्मि वैसे ही तीक्ष्ण होती है, आगे त्रिष्टुप आएगा वह भी तीक्ष्ण होती है, उसके साथ उष्णिक और मिल गया तो उनकी तीक्ष्णता और बढ़ जाएगी, उनकी भेदक क्षमता बढ़ जाएगी, उनका जो भी कार्य और प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आचार्य पिंगल ने इनका देवता सविता, गोत्र काश्यप और स्वर ऋषभ माना है, इसको हम गायत्री छंद प्रकरण में दर्शा चुके हैं। सभी ऋषियों के देवता गोत्र और स्वर बता चुके हैं। मैत्रणी संहिता 2.13.14 में इसका देवता पूषा बताया है। इससे संकेत मिलता है कि यह इन रश्मियों के प्रभाव से गायत्री रश्मियां अधिक सक्रिय होती हैं, जिससे उष्णता की वृद्धि होती है। सविता प्रेरण करने वाला, सविता पैदा करने वाला, प्रेरण करने वाला, पैदा करने वाला, दोनों ही अर्थों में। तो सविता देवता है, पूषा पुष्टि करने वाला। सविता और पूषा दोनों शब्द ये बता रहे हैं कि ये रश्मियाँ विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्रेरण करने में सहायक होती हैं, अर्थात जो पदार्थ हैं उनको प्रेरित करती हैं, बल देती हैं, उनके गुणों को प्रखर बनाती हैं, और जो पदार्थ उत्पन्न नहीं हुए हैं उनमें से कुछ पदार्थों को उत्पन्न करने में भी अपनी भूमिका गायत्री छंद के साथ निभाती हैं। और इसका रंग बताए सारंग, सित सारंग। जब ब्रह्मांड में इन रश्मियों की प्रधानता होती है जहाँ कहीं भी, तो वहाँ चित कवरा अर्थात कई प्रकार का रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है, दीप्ति उत्पन्न होती है। इसमें एक प्रश्न क्या है कि गायत्री रश्मियों को अन्य रश्मियों की प्रेरक कहा और यहाँ उष्णिक को सबका प्रेरक कहा, तो वस्तुतः गायत्री प्रेरक है, उष्णिक प्रेरक है। तो इसका उत्तर है कि वस्तुतः गायत्री रश्मियाँ ही सबकी प्रेरक हैं।
लेकिन औष्णिक रश्मियां जब गायत्री के साथ मिल जाती हैं तो गायत्री रश्मियों का प्रेरक प्रभाव और अधिक प्रखर हो जाता है। इसका गोत्र काश्यप है, कश्यप का बेटा। कश्यप पश्यक से बना है, लेकिन हमारा मत यह है कि महर्षि यास्क ने जो कश निघंटु में कशह जलम, जल के कशह जलम और जल शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, जल घातने जल अपवारणे, दोनों धातुओं से जल जल पद बन सकता है। तो इसे संकेत मिलता है कि औष्णिक रश्मियां विभिन्न पदार्थों के भेदन, अपवारण, ढकना और संयोजन आदि कर्मों को करने में सहयोग प्रदान करती हैं, इसलिए इनका गोत्र का काश्यप। यह हुई औष्णिक रश्मियां। अब तीसरी आती है अनुष्टुप। इसमें से हमें ऋषियों का कथन अनुष्टु बनुष्टो भनात निरुक्त सात बार है दैवत ब्रह्म तीन सात। गायत्री वही यासा अनुष्टुप कौशी तकी ब्राह्मण दस पांच। अनुष्टुप भी छंदसाम योनि है तांड महाब्राह्मण ग्यारह पांच सत्रह। वाग्वा अनुष्टुप ऐत्र ब्राह्मण एक अट्ठाईस। वृषा वही त्रिष्टुप योषानुष्टुप ऐत्र आरण्यक एक तीन पांच। अनुष्टुप प्राण से श्रावाणी ऐत्र अन्य दो एक छः। क्षत्रम व अनुष्टुप ऐत्र आरण्यक एक एक तीन। प्राणा व एतानी तराणी छंदांसी वाग अनुष्टुप मैत्राणी संहिता तीन एक नौ। यज्ञो अनुष्टुप काटक संहिता उन्नीस तीन। अनुष्टुप व अग्नेह प्रिया तनु काटक संहिता उन्नीस पाँच। इन कथनों से क्या अभिप्राय सिद्ध होता है? अनुष्टु वनुष्टो वनुष्टो भनात यह रश्मियां अन्य रश्मियों से अनुकूलता पूर्वक थामती हैं अन्य रश्मियों को। अनुकूलता पूर्वक थामती हैं अर्थात जो भी छंद रश्मि जिस प्रकार का भी कर्म कर रही होगी या करती है उस समय अनुष्टुप रश्मियां यदि उसके साथ मिल जाए तो उसको अनुकूलतापूर्वक थामती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति किसी विशेष भार को उठाने के लिए हटाने के लिए धक्का दे रहा है और धक्का दे रहा है तो उसके पैर फिसल रहे हैं, फर्श पर खड़ा है पैर फिसल रहे हैं तो पैर फिसल रहे हैं तो वो उतना बल नहीं लगा पाएगा। एक व्यक्ति बल नहीं लगावे उसके पैरों को पकड़ ले जिससे वो फिसले नहीं तो ज़्यादा बल लगा पाएगा। तो उसने क्या किया उस धक्का लगाने वाले ने लगाने वाले व्यक्ति के पैरों को थाम लिया अर्थात उसके शरीर को गिरने नहीं दिया। तो वो जो कार्य कर रहा था धक्का लगाने का किसी शिला को हटाने का वो उसे करने में सफल हो सकेगा। एक व्यक्ति कहीं ऊपर किसी वस्तु को उठाना चाह रहा है और लेकिन वहाँ अथवा ऊपर टंगी हुई किसी वस्तु को लेना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, गिराना चाह रहा है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, तब एक व्यक्ति क्या करे उसको अनुकूलतापूर्वक उस एंगल पर थाम ले जहाँ से वह व्यक्ति अधिकतम अपना बल लगा सकता है और ऊपर टंगी हुई वस्तु को ले सकता है, तोड़ सकता है। तो वही कार्य अनुष्टुप छंद रश्मियाँ करती हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी छंद रश्मियाँ अनेक प्रकार के कार्य करती हैं
और अनेक प्रकार के कार्य करने में उनमें कभी शिथिलता भी आ जाती है, कहीं ऐसा भी होता है कि उनका बल व्यर्थ होने लगता है। वैसी स्थिति में अनुष्टुप छंद रश्मिया उनको सहारा देकर उस कार्य को करने में सफलता प्रदान करती है। यह ऐसा ही है कि जैसे कोई हड्डी कहीं से टूट जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी लगा देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डी को जोड़ता नहीं है, वो हड्डी को केवल स्थिर रखता है और जोड़ने का कार्य हड्डियां स्वयं करती हैं, शरीर स्वयं करता है। तो उस प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी ने क्या किया, उसने ये किया कि उन हड्डियों को अनुकूलतापूर्वक थाम लिया। अगर वह अनुकूलतापूर्वक थामने से पहले हड्डियों को गलत दिशा से अगर जोड़ने का प्रयास किया तो गलत ही जुड़ जाएंगे। जहाँ पर उसे बांध देंगे, थाम देंगे, वही कार्य वो करेंगे। तो वही कार्य अनुष्टुप छंद रश्मियाँ भी करती हैं। गायत्री या सा वही सा या अनुष्टुप, गायत्री छंद रश्मि और अनुष्टुप छंद रश्मि में बहुत अधिक समानता होती है। गायत्री का कार्य अनुष्टुप भी कर सकती हैं और वैसे ही अनुष्टुप का कार्य भी गायत्री कर सकती हैं। संपूर्ण कार्य नहीं, लेकिन प्रायः इनके अनेक गुण समान होने से कौशिक के ब्राह्मण ने कहा कि ये एक जैसी है। ये सभी छंदों की योनि है। इसका अर्थ हुआ कि ये सभी छंद रश्मियाँ इनमें प्रतिष्ठित होती हैं, इन्हीं से उत्पन्न होती हैं। यही मार्ग है जहाँ से उत्पन्न होकर के छंद रश्मियाँ इस ब्रह्मांड में अपना कार्य प्रारंभ करती हैं। अर्थात गायत्री के बाद अनुष्टुप छंद रश्मियाँ पैदा होंगी तो उसके बाद दूसरी होंगी। जो छंदों का क्रम है, गायत्री के बाद उष्णिक हुआ, उष्णिक के बाद अनुष्टुप हुआ, अनुष्टुप का ब्रैति हुआ, फिर पंक्ति हुआ, त्रिष्टुप हुआ, जगति हुआ, ये तो अक्षरों की संख्या से क्रम दिया गया है और उसी क्रम के आधार पर हम चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उत्पत्ति का क्रम है कि गायत्री के बाद कौन सी छंद रश्मि उत्पन्न होगी, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद गायत्री के बाद अनुष्टुप छंद रश्मि को यदि तांड्य ब्राह्मणकार कहते हैं कि यह छंदों की योनि है, उत्पत्ति स्थान है, निवास स्थान है, मार्ग है, तो फिर इससे मानना होगा कि गायत्री के बाद जो छंद रश्मि उत्पन्न होती है वो उष्णिक नहीं होती बल्कि अनुष्टुप छंद रश्मि होती है। इसलिए इसको गायत्री के समान कहेंगे और अन्य छंदों का कारण कहेंगे। दूसरी बात, जहाँ भी छंद रश्मियाँ कार्य कर रही होती है, अनुष्टुप छंद रश्मियाँ सबको थामकर सबको घेरे रहती है, मानो सभी अनुष्टुप छंद रश्मियों में समाये होते हैं। तो इस कारण से ये उन्हीं है। और फिर वाघ व अनुष्टुप, ऐसे गायत्री को भी कहा वाघ व अनुष्टुप। वाघ का अर्थ क्या है? वाघ का सबसे पहला कोई अर्थ है तो वह ओम रश्मि। जहाँ भी वाक का कोई अर्थ न दिया हो वहाँ स्वयं ही हमें ओम रश्मि ग्रहण करना चाहिए, अथवा उस प्रकरण में ये संकेत मिल रहा हो कि वाक का अर्थ अनुष्टुप है अथवा गायत्री है या फिर कोई भी प्रकार की छंद रश्मि है तो उसका ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन कोई संकेत नहीं है तो हमें ओम रश्मि का ही ग्रहण करना चाहिए। वृषा वही त्रिष्टुप योषा अनुष्टुप, ये संबंध बताया कि यदि अनुष्टुप छंद रश्मि स्त्री रूप व्यवहार करते हैं, फीमेल का व्यवहार करती हैं, तो आगे जो बनेगी त्रिष्टुप छंद रश्मि वो वृषा नर का व्यवहार करेगी, पुरुष का व्यवहार करेगी, मेल का व्यवहार करेगी। तो त्रिष्टुप छंद रश्मि पुरुष का कार्य करती हैं, अनुष्टुप छंद रश्मि स्त्री का कार्य करती हैं। अनुष्टुप प्राण से श्रावानी, प्राण रश्मियाँ की जो बात कर रहे थे, जिसके त्वचा के तुल्य गायत्री है, बालों के तुल्य उष्णिक है, तो अनुष्टुप किसके तुल्य? अनुष्टुप उससे निकलने वाले
स्राव के तुल्य है। सिक्रेशंस, शरीर में से जहाँ भी स्राव होता है, अर्थात ये हुआ कि प्राण रश्मियों से सूक्ष्म अनुष्टुप छंद रश्मियाँ निरंतर स्रावित होती रहती हैं, निरंतर बहती रहती हैं और क्षत्रम अनुष्टुप, इसका हुआ ये क्षत्रिय रूप होती हैं, क्षत्र रूप होती हैं। क्षत्रिय जैसे भेदन करने में युद्ध में तेज होता है, वैसे अनुष्टुप छंद रश्मियाँ भेदन करने में समर्थ होती हैं। इनकी भेदन करने की सामर्थ, किसी पदार्थ का छेदन करने की सामर्थ अन्य छंद रश्मियों की अपेक्षा अधिक होती है। प्राणावा एतानि इतराणि छंदांसि वाग अनुष्टुप। अब यहां मैत्राणी संहिता का कथन है कि प्राण और वाक, पहले हम बता चुके कि प्राण, शायद बता चुके हैं कि प्राण रश्मियां वृषारूप पुरुष रूप कार्य करती हैं और वाग रश्मियां अर्थात छंद रश्मियां स्त्री रूप कार्य करती हैं। लेकिन अगर छंद रश्मियों में ये देखना हो, त्रिष्टुप के लिए तो हमने बता दिया कि त्रिष्टुप पुरुष है तो अनुष्टुप स्त्री है। अन्य के लिए, अन्य जो है छंद रश्मियां हैं अनुष्टुप को छोड़ के, से जो छंद रश्मियाँ हैं वो प्राण के समान कार्य करती हैं अर्थात पुरुष के समान कार्य करती हैं और अनुष्टुप छंद रश्मि वाक के समान अर्थात स्त्री के समान कार्य करती है। यज्ञ अनुष्टुप काटक संहिता, इससे इसका अर्थ हुआ कि अनुष्टुप छंद रश्मियाँ यज्ञ रूप होती हैं। यज्ञ रूप अर्थात समस्त सृष्टि का संगतीकरण का व्यवहार, कॉम्बिनेशन, कंडेंसन, कंडेंसेशन या संघनन और संयोगीकरण, इन सब का, इस सब में अनुष्टुप छंद रश्मियों की भूमिका होती है। अनुष्टुप या वा अग्नि प्रियातनु, यह अग्नि का प्रिय तनु शरीर के समान है अर्थात इन रश्मियों के द्वारा अग्नि तत्व को धारण किया जाता है। अग्नि अथवा अग्नि तत्व इनके अंदर विद्यमान रहता है। अग्नि तत्व का विस्तार इनमें विशेष रूप से होता है अर्थात इससे ये सिद्ध हुआ कि जहाँ भी ब्रह्मांड में अत्यंत उष्णता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ अनुष्टुप छंद रश्मियों की एक बड़ी भूमिका होती है और लगभग कह सकते हैं कि वो अंतिम भूमिका होती है। सब छंद रश्मियाँ अपना अपना कार्य करेंगी और कार्य करने के बाद अनुष्टुप आकर के उन सब से मिल करके उनको घेर करके उनको अनुकूलता प्रदान करके उनके कार्यों को, प्रभावों को, गुणों को तीव्र बना देती है जिससे उस स्थान पर टेम्परेचर ऊष्मा और अधिक बढ़ जाते हैं। हम पूर्व में गायत्री मंत्र में सबके देवता गोत्र और रंग बता चुके, तो इसका देवता है सोम, गोत्र है गौतम और स्वर गांधार। इसका आशय यह है कि इनकी प्रधानता से सोम तत्व सक्रिय होता है। ये भी कहा कि इनकी प्रधानता से अग्नि सक्रिय होता है, उष्णता में वृद्धि होती है, और ये भी कहा कि सोम तत्व सक्रिय होता है और सोम तत्व जब सक्रिय होता है तो उसी सोम तत्व से अग्नि उत्पन्न होता है, वो प्रकाशित होने लगता है, उष्ण हो जाता है। मरुद रश्मियाँ जब तीव्र हो जाती हैं, उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है तो वह ऊष्मा की उत्पत्ति स्वयं होने लगती है। इसलिए इनकी प्रधानता में उष्णता भी है और सोम तत्व भी है। और गोत्र गौतम का अर्थ क्या है? गौतम ऋषि से उत्पन्न, इसमें
हमने पुस्तक में नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि गौतम कहते हैं गमन करने वालों में सबसे अधिक अतिशय गमन करने वाला, अतिशय तीर, सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाला कौन होता है, हम बता चुके, धनंजय। तो इससे ये संकेत लगता है कि इसका गोत्र गौतम है। तो यह अनुष्टुप छंद रश्मि की उत्पत्ति में धनंजय छंद रश्मियों की भूमिका होती है, किंवा धनंजय छंद रश्मि इनको उत्पन्न करने में सहायक होती है। और कहीं कहीं सूक्ष्म अनुष्टुप छंद रश्मियाँ धनंजय रश्मियों से ही उत्पन्न होती हैं। गांधार, गांधार का अर्थ गऊ को धारण करने वाला, गऊ वाणी विभिन्न छंद रश्मियों रूपी वाणी को यह छंद रश्मि धारण करती है, अर्थात विभिन्न छंद रश्मियों को यह रश्मि धारण करती है। और इसका रंग पिशंग लाल मिश्रित भूरे रंग, इस जब इनकी प्रधानता होती है तो ब्रह्मांड में लाल मिश्रित भूरा रंग उत्पन्न होने लगता है, उस रंग का पदार्थ बनने लगता है, अर्थात अथवा पदार्थ में वह रंग प्रकाशित होने लगता है। यह उष्णिक और अनुष्टुप छंद रश्मियों की चर्चा हुई, तीन छंद रश्मियाँ हुई। अब अगली बृहती छंद रश्मि की चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। ओम शम।